आज हम बनाने वाले ये खरगोश। ये देखो। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से। काफी दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं हम भी। और वीडियो में भी कुछ बना रहे हैं आज, लेकिन अतरंगी चीज बना रहे हैं हम, ठीक है। कुछ अलग आइटम बना रहे हैं तो देखना चाहेंगे। चलो फटाफट से दिखाता हूँ। देख लीजिए, टंटरा, आज हम बनाने वाले खरगोश। ये देखिए, आज हम बनाने वाले ये खरगोश। चलिए तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से इसकी कटिंग वटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। कैसे बनाना है, जुड़े रहिए। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमने पीस कट के तैयार है, एकदम झकास, मेहनत का पसीना देख सकते हैं आप। देखो पीस, देखो फटाफट। ये देखो, एकदम मटन जैसा कलर और खून भी इसका ज़्यादा लाल है, बिल्कुल मटन जैसा। 3 किलो, 3, 1, 2, 3 वोट दिया, वोट किसी को भी दो, आएगा तो मोदी। चलिए अब फटाफट से बनाते मटन, ठीक है। मटन मटन नहीं, सॉरी, खरगोश। राजस्थानी भाषा में बोलते हैं सुस्सा, सुस्सा। कई खरगोश तो खरगोश बोलते ही हैं, कई कई क्या, सभी लोग खरगोश बोलते हैं। और उसके लिए हमने लिया है, ये 3 किलो था तो तेल लिया है लगभग आधा किलो, आधा लीटर, आधा लीटर नॉट किलो। सब चीज़ हम बड़ी ले रहे हैं आज, तेल छोटा मोटा नहीं, हम पूरी पीपी में से ले रहे हैं। देखिए, ये देखिए, ये प्याज मिर्ची कट के रेडी है, ये गरम मसाला रेडी है, ये धनिया रेडी है, धनिया नहीं अदरक, अदरक रेडी है, ये खरगोश रेडी है। देखो रोज बनाते नहीं है तो नाम आ नहीं रहा जल्दी से। तेल हो चुका रेडी, ये हमने डाल दिया, लाल मिर्ची भी डाल दी है, ठीक है। लाल मिर्ची भी खूब डाल दी है। अब हम डाल रहे हैं प्याज और हरी मिर्ची। साथ में डालेंगे हम साबुत लहसुन, ठीक है। अब इसको ब्राउन होने तक के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए, हमारा प्याज लहसुन सब तैयार है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। अब हमारा टाइम है जंगली जंगली मांस डालने का। तो हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच नमक, डेढ़ चम्मच डाल, और देखते हैं। 15 मिनट हो गई है, ये देख लो भाई साहब, शक्ल तो सही आ रहा है, तो खुशबू से भी अच्छी आ रही है।
खुशबू शानदार आ रही है। अभी गलने में तो टाइम है थोड़ा, इसका हार्ड होता है। जैसे वो खाया कभी, जैसे अपन हमने देसी चिकन बनाते हैं ना, वैसे हार्ड होता है इसका, तो पकने में तो टाइम लगेगा। कड़कनाथ, हाँ कड़कनाथ ले लो, सोनाली ले लो। अब बस ये देखना था कि लग नहीं जाए, टाइम टाइम पे पानी डालते रहना, क्योंकि बनने में बहुत टाइम लगने वाला है। अभी तो आपके छत देते हम डालेंगे 2 चम्मच ढाई चम्मच मिर्ची, ये भाई साहब क्या कलर आया, बिल्कुल कतई लाल लाल कलर हो गया। तो लगा भी नहीं है, ये हमारी कटिंग है, ये देसी कटिंग। ये देखो इसका लेग पीस, चिकन लेग पीस नहीं है ये, जंगली लेग पीस है। और अब हम डालेंगे पाउडर धनिया 2 चम्मच, 2 नहीं जितनी मिर्ची डाली थी उतनी धनिया। हाँ तो फ्रेंड्स एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। देखो यार, मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ 10 या 12 मिनट, ठीक है। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें पानी नहीं सोखना चाहिए, क्योंकि इतना सब पानी छोड़ता नहीं है ना। अभी हमको आपको 3 या 4 शॉट दिखाए होंगे, लेकिन इस बात को बनाते बनाते हमको 1.25 घंटा हो गया अभी तक। अभी शायद इतना ही और लगेगा टाइम, तो पानी का ध्यान रखें, आते रहें, चलाते रहें, देखते रहें, ये जरूरी है। हर बार का मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन टेस्ट करके जरूर बताएंगे कि बना कैसा है। तो चलिए, अभी डाल दिया है सारे मसाले पर, अब बाकी है कुछ लास्ट फिनिशिंग प्रोसेस, जो पूरा पकने के बाद। अभी हम इसमें बार बार पानी ऐड करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, पानी ऐड करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें दिखाने वाले नहीं है। तो इट्स कॉमन सेंस, अगर आप बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या है, इसलिए मैंने बता दिया। हाँ थैंक यू। हाँ, ये देख सकते हैं अब काफी हद तक हमारा ये पक चुका है जंगली आइटम। अब हम डालेंगे इसमें दही, डालने के बाद ढंग से चलाएंगे।
देखो एज यूजुअल दही डालने के बाद चलाते रहना जब तक ये इसका वाइट पन खत्म नहीं होता। दही का तो हम चलाते फिर दिखाते हैं आपको। कल पर तो मैं साफ कर लिया था करीबन 4-5 दिन पहले। हाँ तो फ्रेंड्स अब है टाइम टेस्टिंग का। टेस्टिंग के लिए हम ले रहे हैं प्लेट में चम्मच रोटी। पहले ग्रेवी चख के बता दें। मस्त एकदम मसालेदार। बहुत ही बढ़िया मतलब पूरी ग्रेवी में टेक्सचर आ गया। अब हम लेते रोटी। रोटी बिल्कुल कड़क कड़क ली हमने सिकवाई जबरदस्ती कड़क। ये देखो क्या मस्त लेग पीस। पूरा लेग पीस पूरा लेग ये देखो टूट रहा है ऐसे। हड्डी चबाने कोई भी मत करना दांत वांत टूट जाए बता रहा हूँ। वाह स्वाद आ गया स्वाद। अब लेते पीस। ये तो कोई लेग है ठीक है ऐसे काम करते जॉइंट। पूरा अंदर तक मसाला गया एक नंबर मजा आया। देखो पकावट देखो कितनी मस्त रही ऐसे ही छूट। मस्त एकदम देखती जो मटन की हड्डियां भी आप चबा सकते हो इसकी हड्डी नहीं चबेगी। अगर हड्डी तो चबाने करती करोगे दांत के बाद हिल जाएंगे। ये देखो ये भी लेग पीस है ये बड़ा वाला लेग पीस है ये लेग है ठीक है। और पकावट देखोगे ये देखो ऐसे ही टूट रहा है। पकाओ
एक नंबर, एक नंबर। देखो अगर पसंद आया लाओ बनाओ खाओ और मजे का, तो पसंद आएगा। अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हो तो पसंद आएगा। ये रहेगा ऐसे। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वही लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।